मो घरे मो छदा मो बापा आउ मो सानो भौणी प्रिया रहंती। मो बापा जणे दोकान मालिक थिले आउ मो सानो भौणी प्रिया प्लस टू रे पढ़े। प्रिया रो बयस 17 वर्ष। प्रिया देखिबा पाई बहुत सेक्सी। से सबुबेले बहुत छोट स्कर्ट आउ टी शर्ट पिंधे। तार टी शर्ट रु तार 32 साइज दूध फुली की बाहर को बाहरी पड़ी थाए। दिने मु मो रूम रे बसी गोटिए गिहा गिही मैगजीन बही टे पढ़ुथिली। सेतिकी बेले प्रिया मो रूम को हठात पसी आसिला। प्रिया को देखी मु से बही की लुचाई देली हेले प्रिया से बही को देखी देला। आउ से बही की देखी प्रिया हसी हसी मते कहिला दीदी आजिर ए मोबाइल जुगरे तू कौन पिलांको भली ए गिहा के ही बही पढ़ुछु आलो एबे आउ बही नुह सीधा एटा देखे। एहा कही प्रिया मते ता मोबाइल रे गोटे वीडियो देखाइला। से वीडियो देखी मो देह कण होइगला कारण से वीडियो रे मु देखली पांचटा पुओ लगड़ा होई तांकर मोटा लंबा बांडरे गोटे गोरा झियो को पाली पाली करी देहुथिले। से वीडियो देखी मते लाज लागिला आउ मु प्रिया को वीडियो बंद करिबा पई कहली। तापरे प्रिया कहिला अच्छा दीदी मते गोटे कथा कहिबो। मु कहले कोनो प्रिया कहिला तोरो केही बॉयफ्रेंड अछि कि नाही के केबे तोरो बियार उद्घाटन कलणी कि नाही। प्रियार एमिति कथा सुनी मु आश्चर्य होइ गेली। मु कहली प्रिया तू एमिति कोनो कथा कहुछ तू एबे पिला तू तुमर पाठ पढ़ा रे मन लगाइबा उचित। जदि बापा तोर एमिति कथाबार्ता विषय रे जानिबे सेते बेले जहा हेबो मते आउ किछि कहेबोनी। प्रिया जोर जोर रे हसिला आउ कहिला दीदी सुन बियारे जेते बेले निया लागे से निया को केवल बांड ही छपेई थाए। आउ गोटे कथा तते जदि गिहा गेही र मजा नेबार अछि त कह मु तो पाई बांड रो बंदोबस्त करि देबी। आउ रहिला बापांको कथा तू कोन जानिनु कि आमो बापा बी शोभा माउसीको सहित धूम गिहा गेही हेउछंती। मो बहु मरिगला परे शोभा माउसी आमर जत्न नेउथिले। शोभा माउसी आम गळी रे रहुथिले। शोभा माउसीको सह बापांको चक्कर मु एक कथा सुनी विश्वास करि पारिलिनि। तापरे प्रिया कहिला देख दीदी ए जीवन हेउछि केवल मजा करिबा पई जदि बापा शोभा माउसीको सह गिहा गेही होई पारुछंती ताहेले आमर गिहा गेही हेबारे कोन असुविधा। मु कहिले प्रिया बापांको विषय रे एमिति कोन कथा कहुछु तते टिके खराब लागुनी। प्रिया कहिला ता माने तू भाबुछु जे मु तते मिछो कथा कहुछि। अच्छा ठीक अछि आज राती रे मु तते बापा आउ माउसी रो गिहा गेही देखि देबी। राती के शोभा माउसी आम घर को रोसी करबा पई आसिले। माउसींकर बयस प्राय 32 वर्ष हेबो आउ से गोटे सेक्सी माइकिनिया भली देखा जांती। माउसी रो गांडी रो साइज 40 ओ दूध रो साइज 38 हेबो। माउसी रो किछि पिला पिली नाही आउ मौसा गोटे कंपनी रे काम करंती। तांकर जेते बेले नाइट शिफ्ट पड़े सेते बेले माउसी आम घरे सोई पड़ंती। रोसी सरिला परे खिया पिया सरिला आउ मु मो रूम जाउथिली। सेतिके बेले प्रिया मते ता रूम को डाकिला आउ कहिला मो रूम को टिके आसे। मु ता रूम को गली। ता रूम बापांको रूम पाखरे। मु देखली ता रूम रो कांथरे गोटे बड़ होल करा होईछि। प्रिया मते सेही होल बाटे बापांको रूम को अनेबाकु कहिला। मु जेते बेले से होल बाटे बापांको रूम को देखली। मु देखली बापांको रूम रे बापा ओ माउसी थले। माउसी सेदिन गोटे नाइट पिंधिथिले आउ माउसी चलिला बेले माउसी रो दूध बा दाहाण होई हलुथिला। लागुथिला माउसी ब्रा पिंधि नथिला। तापरे बापा माउसी को गांडी को चापिबाकु लागिले। माउसी तळकु चाही थाए। प्रिया धीरे धीरे कहिला दीदी देख बापा केमिति माउसी रो गांडी रे हात मारुछंती। आजि तो माउसी को निश्चय गेहिबे। आजि तते बांड ओ बियार मधुर मिलन देखिबाकु मिलिबो। मु देखिले बापा माउसी रो नाइट खोली देले। माउसी कहिला जीजु एमिति सबुबेले मु चोरी चोरी गिहा गेही हेबाकु डर लागुछि। जदि अमृता आउ प्रियां को संदेह हुए तेबे कोन हेबो। तापरे बापा निजरो पेंट खोली देले। पेंट भीतरु बापांक बांड बाहरी पड़िला। बापांक बांड प्राय 9 इंच हेबो। बापांक बांड देखि मो बिया भीतरटा कोन हेइगला। तापरे बापा माउसी रो पाटी रे निजरो कोला बांड को पुरेई माउसी रो दूध को चिपि चिपि कहिले मोर दुई छियो एबे जवान होइगलानी। सेमान बि कोटे गोटे बांड खोजि सारिबेनी। सेमाने निजरो बापार अवस्था बुझि परिबे। से बुझि परिबे जे जदि तांको बापा तांको माउसी को गेहुछंती तो सेथिरे किछि खराब करू नाहंती कारण दिस इज ए ल
ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ। ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ଶାଳୀକୁ ତା ସ୍ୱାମୀରେ ଗେହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଶାଳୀକୁ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡିଦେବି କି? ଏହା କହି ବାପା ମାଉସୀର ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମୋ ବାପା ଓ ମାଉସୀଙ୍କ ଗିହା ଗେହି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ପିଆ ଗରମ ହୋଇ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ମାଉସୀଙ୍କ ପରି ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡ ମିଳନ୍ତା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚୁଷନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ପୁରାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ କହିଲି, ଓହ ଆହା ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମତେ ବି ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଭଳି ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେ। ମୋ ବିଆର ନିଆଁକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ପରେ ଦେଲୋ ମୋ ଭଉଣୀ। ସେପଟେ ବାପା ଜୋରଦାର 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେହିଲେ ଆଉ ନିଜର ସବୁତକ ବିର୍ଜକୁ ମାଉସୀ ବିଆରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡିଲେ। ଏପଟେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିହା ଗେହି ଦେଖି ଆମେ ଲଗଳା ହୋଇ ଆମେ ଆମ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରି ସେମିତି ଲଗଳା ହୋଇ ଶୋଇପଡିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମାଉସୀ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାପା ବି ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଦିଦି ତୁ ଗିହା ଗେହି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଲୋ ପ୍ରିୟା, ହେଲେ କେହି ତ ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଛି। ଶୁଣୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଶାନ୍ତ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, ତାକୁ କହିଛି ଆମ ଘରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସ ଗିହା ଗେହି ହେବା। ସିଏ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଗିହା ଗେହି ହେଉଥିବି ସେତିକି ବେଳେ ତୁ ଆସି ଆମକୁ ଧରି ପକେଇବୁ ଆଉ ଆମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ସୁଶାନ୍ତ ସହ ଗିହା ଗେହି ହେବୁ। ପ୍ରିୟାର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋର ବେଲ ବାଜିଲା ଆଉ ପ୍ରିୟା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରିୟା ତାକୁ ତା ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ଆଉ ଡେରି କରନି, ମୁଁ ତୋ ବାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳି। କେହି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗେହି ପକା। ମୋ ବିଆରେ କେମିତି ଗିହା ଗେହିର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଟିକେ ମୋ ବିଆରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲୁ। ଏହା କହି ପ୍ରିୟା ନିଜ ଡେସ୍କ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ବି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସୁଶାନ୍ତ କହିଲା, ହମ ଲୋ ପ୍ରିୟା, ତୋ ବିଆ ଏହେ ଗରମ ଯେ ବାଣ୍ଡ ବିନା ସେ ତ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋ ବିଆକୁ ଚାଟିକି ଥଣ୍ଡା କରିବି ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ଗେହିବି। ପ୍ରିୟା ସୋଫାରେ ଲଗଳା ହୋଇ ଶୋଇଲା ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ତାର ଚଙ୍ଖ ଖୋଲି ତା ବିଆରେ ପାଟି ପୁରେଇ ତା ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଟୋକା ଥିଲା ଆଉ ତାର ବାଣ୍ଡ ଅତି କମରେ 7 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ଜଲ୍ଦି ତୋ ଜିଭକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଚାଟେ। ସୁଶାନ୍ତ ବିଆ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟା ଖାଲି ଆହା 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 ଉହଳି ଉହଳ କହି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଏସବୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟା ରୁମର କବାଟ ଦାଧରୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ନାଇଟିର ଉପରୁ ମୋ ବିଆକୁ ରଗଡିଲି। ମୋ ବିଆ ଭିତର ଖାଲି ସରସର ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆର ରସରେ ମୋ ନାଇଟି ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ମତେ ପ୍ରିୟା ଆଉ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିହା ଗେହି ହେଲା ବେଳେ ଧରି ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପ୍ରିୟା ରୁମରେ ପଶି କହିଲି, ପ୍ରିୟା ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ତୋ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଟୋକା କିଏ? ଆଜି ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛି ରହ। ପ୍ରିୟା ନର୍ଭସ ହେବାର ବାହାନା କରି କହିଲା, ଦିଦି ତୁ ଏଠି, ତୁ ପରା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ଲିଜ ଦିଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ତୁ ତ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ଲିଜ ଦିଦି ଏ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁନି, ତୁ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା ତାହା କରିବୁ। ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ। ସୁଶାନ୍ତ ବି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବିଆରୁ ପାଟି ଅଲଗା କରି କହିଲା, ଦିଦି ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ଲିଜ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ, ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଡରିକି ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରିୟା ପଛ ପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ହସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟା ମତେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହ, ସୁଶାନ୍ତ ତତେ କେତେ ଥର ଗେହିଲାଣି? ପ୍ରିୟା ଡରିବା ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରି କହିଲା, ଦିଦି ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ଗେହିଛି ଆଉ ମୋ ବିଆକୁ ବହୁତ ମଜା ଦେଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମୋର ବିଆର ସିଲ୍ ଖଟେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି। ପ୍ରିୟା ଓ ସୁଶାନ୍ତ କହିଲେ, କି ସର୍ତ୍ତ? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି,
जदि सुशांत मते गेहिकी तते मजा देला भले मजा मते देबो ताहले जाई मु क्षमा करिबी कुह मो शर्त रे राजी मो कथा सुनी प्रिया ओ सुशांत परस्पर को अनेले आउ रूम बाहर को जाई किछि समय कथा हेले आउ आसीबा परे सुशांत कहिला दीदी आमे राजी मु तुमको गेहिबी किंतु आमर एही गिहा केहि विषय रे तुमे कहा को किछि कहिबनी मु हसी कहिली ही रे सुशांत गोटिए पटे मते दीदी बोली डाकुछु आउ अन्य पटे मते गेहिबु बोली कहुछु तापरे सुशांत मो नाइटी को ऊपर को उठाई कहिला मु अनेक छियंकु गेहिछि किंतु काहा को भौणी करी गेहिनी आजि मो धर्म भौणी को गेही की मजा नेबी माऊ अमृता दीदी तुमर फिगर त पूरा मस्त होईछि आउ तुम दुधर कोनोसी जवाब नाही तापरे सुशांत प्रिया को कहिला अच्छा प्रिया तू तमोते केबे कहिनु कि तोर की गोटे सेक्सी भौणी अछि आउ से गिहा खाइबा पई पूरा भोकिला अछि सुशांत पुणी कहिला अमृता दीदी एबे तुमे बोली जा आउ मोते तुमर गांडीर दर्शन दियो मु तो गांडीर गोटे दीवाना आउ तुम गांड कथा कोन कहिबे एहा कहि से मो गांडी को चिपिबा को लागिला तापरे सुशांत ता ओठ को मो ओठ रे रखी मते किस करी करी ता बांड को मो बियारे खसिबा को लागिला मोर देह सिते उठिला सेते के बेले प्रिया कहिला हौ भाई एबे एठारे मोर आउ काम कोन तुमे दुई भाई भौणी गिहा देही हुओ मु चलिली मु कहिली तू एठी रह तू कुआरे जाउछ प्रिया कहिला दीदी तू जेमिति आम दोही को उपरे आसी चढ़ाऊ कलु आउ सेमिति केही तुम उपरे आसी चढ़ाऊ न करु तेनु मो घर बाहरे बसी जगिछि तते आरम से धूम गिहा केही हुओ प्रिया जीबा मात्रे सुशांत मो उपरे चढ़ी मते निर्मम भाबे किस करबा को लागिला मु कहिली ओह ओही ओह ओही उफा पापा उफा सुसु आउ आ आ आ आ आ सुशांत भाई तू कौन करुछ मो बियारे निया जळुछि मु मरि जाउछि सुशांत तांको गरम बांडो उपरे हात रखी कहिला दीदी याकु धर आउ एहा सह खेल एही सुशांत भाई बांड तुमको गेहबाकु जाउछि सुशांत पुणी कहिला मु जेतेबेले मो तुमको दीदी डाके आउ तुमे मते भाई डाको सेतेबेले मते बहुत मजा लागे कारण ए भाई भौणी संपर्क रे गिहा केही हेबा निषेध किंतु निषिद्ध काम रे गिहा केही हेबारे बहुत मजा थाए आज मु मो दीदी को गेहिबे अमृता दीदी तुमे मो बांड को तुम बियारे घस तापरे देखो केते मजा लागुछि आज मो बांड आउ तुम बिया मिलन हेबो मु सुशांत रो बांड को हातरे धरी आगो पछो करी हलेइबा को लागिली तार बांड आहुरी मोटा होई गला तापरे आमे अनस्तरी पोज को आसिलु मु सुशांत रो बांड को पार्टी रे पुरेई चुसिली आउ सुशांत मो बिया को जिद्रे पुरेई चटिला सुशांत मो बिया रो सेंटी को चुसुथिला आउ मो गांडी को हातरे पितुथिला एही कारणरु मो बियारु लगातार पानी बाहरुथिला मु सुशांत रो पेळ को कसिकी धरिकी कहिली सुशांत भौणी को लगणा करि देलु एबे बांडो पुरै गेही दे कोण आउ देखुछु सान भौणी को त गेही सारिछु एबे बडो भौणी को भी गेही दे से मो गाल रे चापुडा मारी कहिला एबे मो सामना रे घोडी बणि जा तते गेहिला बेले मु तो गांडी देखिबाकु चाहुछि मु देखिबाकु चाहुछि मो बांड तो बियारे केमिति पसुछि आउ केमिति बाहरुछि मु कहिले तू मते आगरु गिहे कि पछरु गिहे मते खोदी बने कि गिहे कि कुती बने कि गिहे हेले मते जल्दी गिहे आउ तोरो ए भूनी रो बियार गलु को मारि दे से मते घोडा बनाई मो पछकु चली आसी मो गांडी फांको दे मो बिया गातरे ता बांड को लगे देला तापरे से मो अंटा को जोर रे धरी मो बिया भीतर को तार बांड पुरै देला मु जंत्रणा रे आहा आहा उही मा आ आ आ आ आ होई छटपट हेली मु जानी नथिले जे बांड बियारे पसिने एते कष्ट हुए बोली सुशांत धीरे धीरे गेहिबा आरंभ कला किंतु तापरे स्पीड बढ़ी देला से मो चुटी को गोटे घोड़ा रो लगाम भली धरी मते गेहुथिला सुशांत कहिला बाउ मो घोड़ी केते सुंदर बिया मो भौणी रो भाई रो मोट पसी केमिति लागुछि मो भौणी मु तो भौणी प्रियांक सिल फटेथिली आउ आज तोर बिया सिल खटेबी सेते बेलकु मो बिया पूरा नाळ नाळ होई जाईथिला तेनु मते आउ एते जंत्रणा हेउ नथिला किंतु मो जंघ पाखरे किछि ओदा उदा लागुथिला परे मु जानिबाकु पाइले जे मोर सिल फाटी सेथिरु मोर रक्त स्राव होईथिला मु कहिले गिहे मते मो भाई
मते जोरे गेही पका काही केते वर्ष रुए बांड पई पूरा भोकरे थिला तो बांड पसी आज मो बिया शांति होइगला साबास सुशांत मो धरम भाई एबे मो बियारु बियार बाहरिबाकु जाउछि सुशांत मते जोर गिहे आहुरी जोरे आहुरी जोरे आहुरी जोरे आहुरी जोरे मो भाई लो आहा आहा आहार मो बियारु रस बाहरी पड़िला एबे सुशांत जोर जोर रे गेही चली थाए रूम सारा खाली हचाकच शब्द हेउ थाए।